पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर हत्या के एक मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। ये मामला देवास का है, जहां एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जिला अस्पताल से सूचना मिली थी। अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति के शव को लाया गया है। जब जांच की गई तो पता चला कि ये शव ग्राम ट्यूबवेलपुरा के अनिल नामक व्यक्ति का है। अनिल के सिर के पीछे साइड धारदार हथियार से प्रहार किया गया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। एडिशनल SP शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान गांव के ही दीपक नामक व्यक्ति पर शक हुआ। जब दीपक से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसकी बहन का अनिल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। काफी समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर अनिल की हत्या कर दी। विवेचना के दौरान हमको CBR के आधार पर और अन्य पूछताछ के आधार पर एक संदेही दीपक मिला, जिसका बोलेरो कलवार के आसपास देखा गया था। दीपक से जब पूछताछ की गई तो उसने अपने एक चचेरे भाई सुमेर और एक और चचेरा भाई विशाल के साथ इस घटना को करना कबूल किया है उसने। और इस घटना के पीछे कारण यह है कि दीपक की बहन जो कलवार में रहती थी उससे मृतक के अवैध संबंध की पुष्टि वो करना बताता है। उससे क्षुब्ध होकर अपने इन दो भाइयों के साथ इस घटना को स्वीकार करना बताया है। उन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे विवेचना जारी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।